राहुल, बड़ी खबर, कयास तो लगाए जा ही रहे थे, लेकिन कल मुहर फाइनली लग जाएगी बीएसपी और एसपी के गठबंधन में। जी श्वेता, कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता के ताले की चाबी उत्तर प्रदेश में मना करती है और उसका शायद सबसे अहम भाग कल 12 बजे खुलासा होगा, जब अखिलेश यादव और मायावती, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के नेता, सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज की घोषणा करेंगे। इस बात का ये साफ इशारा हो गया है कि इस गठबंधन में कांग्रेस की कमजोर स्थिति देखते हुए गठबंधन में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। गठबंधन ने एक बात दरवाजा जरूर खोल रखा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो ट्रेडिशनल सीट्स रही हैं रायबरेली और अमेठी, उस पर ये गठबंधन सीट नहीं खड़ा करेगा। इसके अलावा आरएलडी के लिए करीब 3 से 4 सीटें लोकसभा की छोड़ी जाने की बात की जा रही है। फैसला ये भी पता लग रहा है कि दोनों बीएसपी और समाजवादी पार्टी बराबर बराबर की सीटें लड़ेंगे, आरएलडी के लिए सीटों के अलावा दो और कुछ सीटें कांग्रेस के लिए, और बाकी सीटें 1-2 सीट बीजेपी से आने वाले कुछ रिबेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि जातीय समीकरण में इस गठबंधन की मदद कर सकते हैं, उनके लिए छोड़ी जाएंगी। जी राहुल, जैसा कि आपने कहा, बताया ये जा रहा था कि 37-37 लोकसभा सीटों पर ये दोनों ही पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन उसमें 19-20 की बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा था कि शायद मायावती यानी कि बीएसपी जो है उनकी सीटें कुछ ज्यादा हो, 81 सीटें ज्यादा होने की बात भी कही जा रही है। जी देखिए, उसमें जो कैलकुलेशन इस तरह से है कि जो अलायंस पार्टनर्स बीएसपी और सपा लेंगे, उनको कितनी सीटें किसके हिस्से से आएंगी, इस कारण से ये हो सकता है कि जो कोटा बीएसपी का होगा उसमें वो किसी को अपनी सीट शेयरिंग नहीं करेंगी, जो बाकी लोग आएंगे उसमें, इस कारण से बसपा के मुकाबले समाजवादी पार्टी की सीटें कम हो सकती हैं। जी, और आरएलडी को लेकर क्या तस्वीर साफ हुई है, क्योंकि आरएलडी की तरफ से मांग की जा रही थी कि 5 सीटें उन्हें चाहिए, तो 5 सीटों पर क्या सहमति बन गई है? देखिए, आरएलडी की तरफ से डिमांड 5 सीटों की थी, लेकिन इस तरह का जो आकलन इस समय गठबंधन की तरफ से हुआ है, वो ये बात जानते हैं कि पिछली बार भी जब आरएलडी सीट चुनाव लड़ी थी तो उसको कहीं कोई खास सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अभी हाल में जब एक बाईपोल हुआ था कैराना में, उसमें आरएलडी के जो कैंडिडेट थे वो उनकी जीत हुई थी, लेकिन वोट उसमें बीएसपी और सपा का था, जबकि बीएसपी ने अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट करने की बात नहीं की थी। इसलिए अभी जो नापतोल का मामला है कि एग्जैक्ट कितनी सीट मिलेंगी, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा के कुछ सूत्र कह रहे हैं कि 4 से ज्यादा इस अलायंस में सीटें आरएलडी को मिलने की गुंजाइश नहीं है।